मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं और यहां के जो कार्यकर्ता हमारे इस ह्यूमन राइट्स एंटी क्राइम एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग जुड़े हैं उनका आज ये हौसला देखकर हमें इतना खुशी हो रहा है कि हमारे आवाम में भी वो ताकत है अभी भी कि लड़ने की और क्षमता है लोगों में, परंतु उसको लाने की जरूरत हम जैसे लोगों की है जो यहाँ पे बैठे व्यासपीठ पर, यहाँ पर सभी आदरणीय सभी व्यक्तिगण इतना क्षमता जरूर रखता है कि हर कार्य को अपने कार्य से सफल बना दे। मैं इन कार्यकर्ताओं को बधाई भी देता हूं और इनके पीछे सदैव चाहे वो आधी रात को हो 24 आवर्स मेरे नंबर्स चालू रहेंगे और मेरे इस व्यासपीठ पे बैठे हुए सारे लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जहां जरूरत मजलूम की हो वहां जरूर खड़े होना दोस्तों, आवाज नहीं लड़ जाना आवाम के साथ लोगों के लिए, क्योंकि गरीबों का मसीहा कोई नहीं होता, उनके लिए हमें लड़ना पड़ता है। ये हमारी ताकत है जो हमें लड़के लेना होगा उनके लिए। दोस्तों ह्यूमन राइट्स का मतलब ये होता है कि मानव तक पहुंचाने की सुविधा जो गवर्नमेंट से मिलती है उनके निस्बत तक वो काम करना हमारा काम होता है। हम मीडिएटर होते हैं उनके उनके हर चीजों के, उन समस्याओं के, उनके मूलभूत अधिकारों को। हमारा मेन मकसद होता है कि हमारी जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उससे हम वंचित हैं, उससे हमें लड़ना चाहिए और उससे प्रयास करना चाहिए कि वो हमें मिलना ही चाहिए और वो अधिकार हमें मिलना चाहिए। इसके लिए हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो हमेशा तत्पर रहेंगे, लोगों के कार्य करेंगे। और मैं सबसे बड़ा आभारी हूं कि मेरे साथ मेरे भाई जैसे मेरे संग मित्र परिवार जैसे सारे इस व्यासपीठ पर लोग हैं जो मेरे साथ हमेशा हमारे हर कार्य में हर समय पर सहयोग करते हैं। मैं और हमारी संस्था आज देश के कई भिन्न भिन्न स्टेटों में ऑलरेडी है और इस प्रकार के काम किए जाते हैं। आने वाले 18 तारीख को लखनऊ में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जहां पर हमारे दिल्ली के कई मिनिस्टर्स और कई ऐसे वक्ता आने वाले हैं और उस कार्यक्रम में हम चाहेंगे कि आप भी वहां पर शिरकत करें, वहां पर आए। और इससे ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आप सबका इजाज़त लूँ। जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र और अस्सलाम वालेकुम।